अगली खबर प्रतापगढ़ से है। आरोपी एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। शाजापुर लालगंज तहसील में नायब नाजिर रहे सुनील कुमार शर्मा की पीट पीट कर हत्या करने के आरोपी एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह यादव पर जब केस दर्ज हुआ तो वो मोबाइल नंबर बंद कर फरार हो गए। उनका सीयूजी नंबर भी स्विच ऑफ है। उनके लखनऊ जाने की चर्चा है। उधर सुनील के शव का शनिवार को आधी रात के बाद दो डॉक्टर के पैनल ने वीडियोग्राफी के बीच पोस्टमार्टम किया। तहसील कर्मी की हत्या का मुकदमा दर्ज होते ही एसडीएम रविवार को अपने सरकारी आवास से फरार हो गए। वह अपने साथ ही सीयूजी नंबर भी ले गए और उनका प्राइवेट नंबर भी बंद आ रहा है और उनकी आखिरी लोकेशन मेडिकल कॉलेज में मिली थी। इसके बाद जिले में उनकी लोकेशन नहीं मिली। कर्मचारियों के बवाल के बाद सक्रिय दिख रही पुलिस ने एसडीएम की गिरफ्तारी के कोई प्रयास नहीं किए हैं। आरोपी अफसर की तलाश करना तो दूर, पुलिस उनकी चर्चा तक नहीं कर रही है। तहसील कर्मी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सुनील के शरीर में 9 जगहों पर चोट के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचने पर पुलिस ने सुबह तड़के ही बस मंगाकर परिजनों को सुनील के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए प्रयागराज भेज दिया है। उसके अंतिम संस्कार तक पुलिस के साथ लालगंज के नए एसडीएम अरुण सिंह भी मौजूद रहे। मुकदमा दर्ज करने के बाद घटना से जुड़े साक्ष्य को एकत्रित किया जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद मामले में उचित कार्यवाही की जाएगी। यह है सुनील कुमार शर्मा, वहाँ पर उप जिलाधिकारी लालगढ़ के नायब नाजिर थे और उनको किसी कोई काम नहीं कर पाए होंगे एसडीएम का, तो उसी व्यक्तिगत काम था उनका और उसी आरोप में वो अंदर से आक्रोशित थे। अचानक सुनील कुमार सिंह को देखा और उन्होंने पीटना शुरू कर दिया और उनके साथ जो होमगार्ड थे उन्होंने भी पीटना शुरू कर दिया। इतना पीटा कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। हॉस्पिटल में भी वो अधिकारी वहाँ गए, कहीं नहीं मरा हो तो इसको मार ही दिया जाए, तो उसका काफ़ी स्पंज किया चेस्ट को, लेकिन वो दम छोड़ चुका था। अल्टीमेटली हमारे प्रांतीय संघ ने ये निर्णय लिया है कि हम जब तक उस अधिकारी को एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसको बर्खास्त नहीं किया जाएगा और मृतक आश्रित को नौकरी नहीं दी जाएगी और मृतक परिवार को 1 करोड़ रुपया नहीं दिया जाएगा, तब तक हम अनवरत हड़ताल में रहेंगे। ये हमारा प्रांतीय संदेश है और इस पर हमारा जनपद शाखा के सारे कर्मचारी अटल विश्वास के साथ उनके साथ डटे हैं। ये प्रदर्शन कहाँ कहाँ चल रहा है? ये पूरे जनपद में, हर कलेक्टर, पूरे प्रदेश के 75 जिले हैं, तो 75 जिलों में आज ये प्रदर्शन है। पूरी कलेक्ट्रेट की तालाबंदी है, आप देख सकते हैं। कोई कर्मचारी हमारा कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत विभत्स घटना हुई है ये।